क्लास 11 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.3 का हम भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। हमने क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है हमारे चैनल पर, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए। यह चैनल केवल और केवल क्लास 11 के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर देखो, आपको चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 2 है और ये एक्सरसाइज आपका जो है पूरे का पूरा किस पर टिका हुआ है, क्रमचय पर टिका हुआ है। देखो क्रमचय क्या होता है, आपका NPR जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। ठीक है, ये बराबर होता है दोस्तों आपका n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। पहले इस बात को समझो कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, इसमें यह क्या कहना चाहता है। देखो हमें क्या करना है, 8 व्यक्ति दे रखे हैं, उनमें से एक को अध्यक्ष चुनना है और एक को उपाध्यक्ष, जैसे उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं बन गया उसका क्या, अध्यक्ष। अब इसने क्या कहा, एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, यानी यदि मैं अध्यक्ष बन गया तो मैं उसी समय क्या नहीं रह सकता हूँ, उपाध्यक्ष नहीं रह सकता हूँ। ओके, समझ आ गया। यानी जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में देखा कि अंगों का दोहरा नहीं किया जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे समझे, आपके पास कितने 8 व्यक्ति, उनमें से आपको कितने को चुनना है, 2 व्यक्तियों को चुनना है। तो इसका देखिए हम लैंग्वेज लिखते हैं और अपना सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 व्यक्तियों की समिति में हम निम्न प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यहाँ पे यह मानते हुए, यह आपको कंडीशन लिखनी है, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, बराबर आपके कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति है, यानी कुल कितने दे रखे हैं, 8, वो आपका आएगा एन की जगह। इसमें से कितने को लेना है, मुझे 2 को लेना है। देखो जब आपका रिपीट नहीं होगा तो किसको काम में लेंगे, हम क्रमचय को काम में लेंगे। क्रमचय में किसका महत्व होता है, क्रम का महत्व होता है। अब इसके लिए मैं ये वाला मेरा फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो एन की जगह कितना, 8, तो क्या बन गया मेरा, 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, या नीचे 8 माइनस 2 कितना, 6, और साथ में आपका फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 8 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, 56। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना है, 56 है। तो इस तरह से जो दोस्तों इन क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से अपना सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, यानी इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है, यदि n माइनस 1 p3 रेशियो np4 बराबर 1:9 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी n ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यदि कोई संख्या रेशियो में दे रखी है
तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ ए रेशो बी दे रखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं दोस्तों ए बाई बी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एन माइनस वन पी थ्री रेशो एन पी फोर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन बाई नाइन। ठीक है, दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो मैं अपने फॉर्मूले काम में लेता हूँ, यहाँ एन है, यहाँ एन की जगह कितना है एन माइनस वन है, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे देखो एन माइनस वन और साथ में फैक्टोरियल, नीचे क्या आना है एन माइनस आर आना है, तो एन की जगह क्या है एन माइनस वन है, आर की जगह मेरा कितना है थ्री है, और साथ में आ गया आपका फैक्टोरियल। ओके इसके डिवाइड में यहाँ भी मैं काम में लूँगा, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों वन बाई नाइन। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है बिल्कुल सिंपल है, यहाँ माइनस वन और माइनस थ्री कितना आएगा फोर आएगा माइनस का, यानी एन माइनस फोर फैक्टोरियल है, ये भी एक्चुअल में क्या है एन माइनस फोर फैक्टोरियल है, ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, सिंपल सा है। ठीक है कैलकुलेशन करना जानते हैं आप कि यहाँ ऊपर डिवाइड में है जो नीचे डिवाइड में, वो एक दूसरे से डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। अब उसके बाद देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। ठीक है इसका मैं जो शब्दों में नहीं बता सकता इस कैलकुलेशन को, यहाँ कितना है आपका एन फैक्टोरियल है, ठीक ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका यहाँ पे इसके डिवाइड में क्या आ गया एन फैक्टोरियल आ गया। ऐसे समझिए यहाँ जो रहता है ये ऊपर एक भाग है और यहाँ नीचे एक भाग है, यहाँ जो ऊपर रहता है ठीक है वो इसके आ जाता है नीचे ऊपर वाले के, और यहाँ जो नीचे रहता वो चला जाता ऊपर, तो ये जब ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो इस प्रकार से ये नीचे वाला और ऊपर वाला एक दूसरे से कैंसिल होता है। ठीक है यानी उल्टा हो जाता है जब इसको हम ऊपर लेके आते हैं, तो ऐसा समझो। ठीक है इक्वल टू कितना दे रखा है वन बाई नाइन दे रखा है। अब देखो एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, एन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ एन गुणा एन माइनस वन फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल दोस्तों सोल्व करना जानते हैं, ठीक है ऐसा है जो मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया वन बाई एन इक्वल टू वन बाई नाइन। ठीक है वन बाई एन इक्वल टू वन बाई नाइन, इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एन बराबर कितना आ गया नाइन। यही यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर इस सिक्स का आंसर है। ओके अब बात करते हैं दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर सेवन की, क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेवन ही दोस्तों कुछ ऐसा ही है, देखो आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको दे रखा है आर का मान ज्ञात कीजिए, क्या दे रखा पहला कंडीशन फाइव पी आर इक्वल टू टू सिक्स पी आर माइनस वन, सेकेंड कंडीशन भी लिख देता हूँ फाइव पी आर इक्वल टू सिक्स पी आर माइनस वन। देखो मेरी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे इसको सोल्व करना, कैसे सोल्व करता हूँ ध्यान से समझना। यहाँ पे फॉर्मूला काम में ले लेता हूँ हल अपना किसका फर्स्ट का, तो क्या बन गया फाइव फैक्टोरियल नीचे फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, सिंपल है। देखो इस फॉर्मूले को मैंने काम में लिया है, एन की जगह कितना है फाइव, आर की जगह आपका आर ही है, तो यहाँ आर की जगह आर रखा एन की जगह फाइव रख दिया, ये टू दोस्तों मल्टीप्लाई में है, यहाँ कितना आ गया सिक्स फैक्टोरियल नीचे सिक्स माइनस आर माइनस वन और साथ में आपका फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ पे देखो मैं इस सिक्स को क्या लिख सकता हूँ सिक्स मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा आपका सिक्स, और ये माइनस जब अंदर गुणा होगा तो यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सिक्स प्लस वन कितना आ गया आपका सेवन, और ये माइनस का आर साथ में क्या है फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेवन माइनस आर गुणा सिक्स माइनस आर गुणा फाइव माइनस आर फैक्टोरियल।
ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है आपका दोस्तों, 5 माइनस आर फैक्टोरियल है ये, और ये आपका उड़ गया 5 फैक्टोरियल उड़ गया। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कितना आपका 12, इनका इस साइड लाएंगे और ये आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे। 7 संख कितना 42, ये कितना माइनस 6r, और ठीक है 7 का गुणा किया और r का गुणा किया। ठीक है, अब देखो 7 का इसके साथ गुणा करते हैं तो माइनस 7r, r का r के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, r मल्टीप्लाई r आपका r स्क्वायर। ठीक है, देखो आगे हम चलते हैं, इस संख्या को मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, ये कितना है आपका r स्क्वायर, ये कितना आपका माइनस 13r, ये प्लस की है इस साइड आकर आपकी माइनस की होगी, यानी आपका r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी r का वैल्यू निकालना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सोल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दोस्तों सोल्व करना जानते हैं, कैसे सोल्व किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है, हम इसके फैक्टर कर दें। फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ये जो है इसका लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई 30 आ गया। 30 के देखिए हम जब फैक्टर करेंगे तो आप क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इनके देखिए हम ऐसे टुकड़े करते हैं, उनको ऐड करते हैं, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस 1 3 आना चाहिए। देखो ये क्या है, यहाँ पे आपका माइनस का यानी जो आर के साथ है वो आना चाहिए। ओके, तो इनको मैं अरेंज कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये कितना हो रहा है दोस्तों आपका, हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब हम इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका यही आना चाहिए। तो देखो यदि मैं इनको एक साथ लेता हूँ, ये कितना हो रहा है आपका 6 और ये 5, ऐड करेंगे कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और यदि मैं इनको साथ लेता हूँ 15 और ये आपका यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे ये बैठेगा नहीं। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे दोस्तों, हैं जो ऐसा करता हूँ, इसको एक साथ ले लेता हूँ, ये 10 हो गया, और इसको एक साथ ले लेता हूँ और दोनों को माइनस कर ले लेता हूँ तो कितना आ गया माइनस 13 आ गया। जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई 10 30 आ गया, यानी जो माइनस 13 आर है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, यानी आ गया दोस्तों आपका आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। इन दो को एक साथ लिया, इन दो को एक साथ लिया, फर्स्ट से मैंने r बार कॉमन लिया, r माइनस 10 आ गया, सेकंड से मैंने माइनस 3 बार को कॉमन लिया, r माइनस 10 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ भी देखो r माइनस 10 है, यहाँ भी r माइनस 10 है, यहाँ आपका ये बाहर गया तो r बच गया, यहाँ पे आपका माइनस 3 बच गया, इक्वल टू क्या चल रहा है 0, यानी r माइनस 10 इक्वल टू 0 या r माइनस 3 इक्वल टू 0। r बराबर कितना आ गया 10 या r बराबर 3। अब देखो हमें r का मान है जो यहाँ से डिसाइड करना है, तो एक बात गांठ बांध लेना, यहाँ पे n का जो छोटे से छोटा मान है कितना है 5, यहाँ जो r है वो दोस्तों आपका इस n के मान से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे r, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि r क्या होगा, यहाँ पे यह 5 दे रखा है तो हम लिखेंगे r 5 से बड़ा नहीं होगा। r नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, अंत r इक्वल टू कितना 3 है, बस r का मान आपका निकल गया इसमें। तो यही हमारा दोस्तों क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं इसकी, इसका जो सेकेंड भाग है इसकी बात करते हैं, r इक्वल टू 3 निकला है। ठीक है, ओके, सही किया।
इसमें मुझे क्या मिला देखो, 5 फैक्टोरियल नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ आ गया 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ये कितना है वास्तव में आपका, ये वास्तव में है 6 था और हाँ इसमें थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे आपका 2 था, लेकिन अब की बार देखो यहाँ पे 2 नहीं है, बस इतना ही है जो आपका अंतर है, बाकी क्या दे रखा है एकदम एग्जैक्ट सेम दे रखा है। तो मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया क्योंकि सेम कैसे, ठीक है तो ये सही है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं वास्तव में, क्या है आपका 7 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस आर मल्टीप्लाई, देखो फैक्टोरियल को कैसे सोल्व किया जाता है, जैसे एन फैक्टोरियल को सोल्व करना है तो मैं एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 ऐसे करके सोल्व करूँगा, जहाँ रुकूँगा क्या कर दूँगा फैक्टोरियल चिन्ह छोड़ दूँगा, तो इसमें से आपका एक एक कम होता जाएगा, तो यहाँ वो एक कम किस में से हुआ, इस 7 में से कम होगा, एक कम किया कितना आ गया 6 आ गया, इससे एक कम हुआ कितना 5 आ गया, चूँकि यहाँ पे 5 माइनस आर फैक्टोरियल पड़ा है तो मैं यहाँ रुक गया, ये उड़ गया ये उड़ गया ये उड़ गया ये उड़ गया, यानी आपका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 और बराबर कितना है 6, ये यहाँ आएगा, एक मिनट सॉरी मैं गलत बोल गया, 42, ठीक है वो पहले वाले का, ठीक है। अब देखो ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसमें से ये आपका जाएगा कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 36 और इसका हम इसके गुणा का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, एक गुणा 36 आ रहा है, 36 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। इसको हम कैसे अरेंज करें कि आपका ये वाला आना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, तो दोस्तों इनको एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लो, 4 माइनस का 9 बराबर कितना माइनस का 1 3, यानी यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं हम, माइनस 4 आर माइनस 9 आर प्लस 36 इक्वल टू 0, इन दोनों से मैंने आर को बाहर कॉमन लिया तो आर माइनस 4 आ गया, ओके। इन दोनों से मैंने 9 को बाहर कॉमन लिया वो भी माइनस 9, ठीक है तो आर माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0, यानी आर माइनस 9 यहाँ से आर माइनस 4 को, यहाँ से आर माइनस 4 को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका आर आएगा, यहाँ पे माइनस 9 आएगा, मल्टीप्लाई आर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अगला हम क्या काम करते हैं, इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी आर माइनस 9 इक्वल टू 0 या आर माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से r बराबर कितना आ गया 9 आ गया, r बराबर कितना आ गया 4 लिखेंगे, चूँकि r नॉट इक्वल टू 9 क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे कितना है आपका n का छोटे छोटा मान देखना 5 है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि आपका r 5 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ r 5 से बड़ा नहीं हो सकता, अंततः r बराबर 4 होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों आपका, r बराबर 4 है जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका आंसर आ गया, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमें इक्वेशन
अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यत केवल एक बार उपयोग करके अर्थपूर्ण तथा या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, इसने ऐसा बोला इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक होते तथा एक बार उपयोग करके कितने करके कितने, ठीक है, यहाँ पे कितने शब्द आएगा, कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इक्वेशन शब्द में आपके कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, और इन 8 को ही आपको क्या लेना है, काम में लेना है। और ध्यान क्या रखना है, सबको एक एक बार ही काम में लेना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं पूरा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कोई 8 अक्षर का मुझे शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको मुझे क्या लेना है, इस क्वेश्चन के अनुसार एक एक बार ही काम में लेना है। और एक से अधिक बार काम कैसे आएगा, जैसे मैंने ई को काम में लिया, तो ये ई को है जो दोस्तों मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, यानी यदि हम अपने पहले जो क्वेश्चन किया उनकी लैंग्वेज में समझें, यहाँ पे अक्षरों का दोहरा नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, ऐसा ये बोल रहा है। और जब रिपीटेशन नहीं होता है तो हम किसको काम में लेते हैं, अपने कर्मचय को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना हल, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यत केवल एक बार उपयोग करके बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या, कितने का आंसर किससे देंगे दोस्तों, संख्या से देंगे, ठीक है। कितने हैं दोस्तों आपके, 8 है, और 8 में से 8 को ही काम में लेना है। तो ये क्या आता है दोस्तों आपका, 8 फैक्टोरियल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अपने 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल का मान कैसे निकाला जाएगा, पहले इसको मैं यहाँ पे समझाऊँ। देखो इस फॉर्मूला काम में लेके, 8 फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है। यहाँ n बराबर कितना, 8 है, r बराबर भी 8 है, नीचे क्या आ गया, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल कितना आ गया, 0 फैक्टोरियल, ये आपका 1 होता है, तो इसके लिए नीचे 1 है, तो डायरेक्ट मैंने ऊपर का ही लिखा है, ओके। 8 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। देखो ये आपका कितना दे रखा है, 8 फैक्टोरियल, तो 8 मल्टीप्लाई इसे एक एक कम करते जाना है, ठीक है। 4 3 से 1 कम किया 2 1, इसका दोस्तों जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आता है आपका, ये है जो इसका आंसर आ गया, ठीक है, ओके। आसान लगा ये शायद आपको क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से, यहाँ पर मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, ये मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, पुनरावृत्ति नहीं की जाती है मतलब किसको काम में लेना है,
कर्म चेको काम में लेना है। एक समय में चार अक्षर लिए जाते हैं, तो यहाँ पे देखो अपना हल लिखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ लिख दे मंडे समझ से बनने वाले अर्थपूर्ण अर्थ इन शब्दों की संख्या निम्न प्रकार। पहला, एक समय में चार अक्षर लिए जाते हैं, कितने दे रखे हैं मंडे में, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दे रखे हैं। तो यहाँ लिखूँगा पहले वो लेन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक समय में चार अक्षर लिए जाते हैं, कितने हैं दोस्तों कुल आपके, 6 है, ठीक है। इसमें से कितने को लेना है, मुझे 4 को लेना है, तो कर्म चेक क्या बन गया, 6 में से 4। कैसे सोल्व होगा, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या होता है, क्रम छः बराबर n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ n की जगह कितना है आपका 6 है, r की जगह कितना है 4 है, ठीक है। यानी कितना, 6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 4 कितना 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 संख कितना 30, और ये 4 3 12 मल्टीप्लाई 2 कितना, सॉरी ये तो कटा हुआ है, ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करना, केवल 3 से मल्टीप्लाई किया 36 और ये पीछे 0 आ गया, कितना 360 है जो आपका इसका आंसर आता है। तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपको लग रहा है, हाँ वास्तव में आसान है। एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड देखो, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, देखो आपके कितने हैं 6, 6 में से आपने कितने ले लिए 6, ये बराबर क्या होगा डायरेक्टली आपका 6 फैक्टोरियल n बाई n, क्रम चय क्या होता है आपका n फैक्टोरियल होता है, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लो कैसे आएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये कितना 5 संग आपका 30, और ये 4 3 12 और गुणा 2 कितना 24, ठीक है, 24 को 3 से गुणा किया कितना 4 3 12 और ये 6 1 7 और ये इसके पीछे 0 आ गया, कितना आंसर आ रहा है दोस्तों आपका 720 आ रहा है इसके सेकंड ऑप्शन का। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड की। थर्ड क्या है, सभी अक्षरों को प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, ठीक है, तो इसको ऐसे डील किया जाएगा, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है लेकिन प्रथम अक्षर क्या है दोस्तों, एक स्वर है। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना, इसमें देखो स्वर कौन से हैं, स्वर आपके कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए ई आई ओ यू ई आपके स्वर होते हैं, तो यहाँ पे ओ आपका स्वर है, ए स्वर है, कितने स्वर है दोस्तों 2 स्वर है। आपके पास कुल कितने शब्द है, 6 शब्द है, यानी आपको देखो 1 2 3 4 5 6 को ही लेना है, लेकिन कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि आपका पहला जो अक्षर है वो क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, और स्वर आपके पास कितने हैं 2, यानी 2 में से कितना आएगा, 1 आएगा, 2 में से कितना आएगा, 1 आएगा, गुणा गुणा होता है, ओके। इसमें क्या होता है, ऐसे अलग अलग तरीकों का आपस में गुणा होता है, या आप लैंग्वेज लिख कर भी इसको बड़ा बना कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब देखो सपोज करो आपका ओ यहाँ पे क्या आ गया है, फर्स्ट पे आ गया, फिक्स है, ओ फिक्स हो गया, तो ओ को चुनने का तरीका तो क्या हो गया, ये हो गया, यानी स्वर आने की जो तरीके वो ये हो गए, लेकिन
सिक्स में से आपका दोस्तों क्या लेना है, सिक्स को लेना है। सिक्स में से आपका एक तो क्या आएगा, सवर आएगा, यानी और ये सवर दोस्तों क्या होगा, इसमें से कम होगा, या ऐसे समझो इस दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा। देखो ये आपका एक फिक्स हो गया, तो छः में से एक फिक्स हो गया, पीछे कितने हैं पाँच। और यहाँ पे जैसे यहाँ शब्द को लेकर समझते हैं, यानी सॉरी अक्षर को लेकर समझते हैं, ओ मैंने फिक्स कर दिया, पीछे कितने एक दो तीन चार पाँच, पीछे कितने पाँच। और लेना क्या है, सभी को लेना है, यानी पाँच को ही लेना है, पाँच है और पाँच को ही लेना है। या ऐसे समझ लो एक फिक्स हो गया, पीछे खाली स्थान कितने एक दो तीन चार पाँच, कितने हैं पाँच, पाँच में से पाँच को लेना है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना होगा दोस्तों आपका टू होगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका एन, करम छः एन क्या होता है आपका एन फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना है पाँच, पाँच फैक्टोरियल आ गया। देखो पाँच फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये है, ये कितना आ गया बीस, ये कितना छः, 120 मल्टीप्लाई दो कितना 240। तो यहाँ पर दोस्तों आपका है जो इसका आंसर कितना निकल कर आया है, 240 निकल कर आया है। ओके अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10 के, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या मिलता है। ओके इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ आ जाएगा। अगला देखिए थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, इसको पहले समझो, आपको यहाँ पर क्या करना है, वे शब्द लेने हैं जिनमें आपके चारों आई क्या नहीं आने चाहिए, एक साथ नहीं आने चाहिए। ओके या अलग अलग आने चाहिए, ठीक है विन्यास में। अब अलग अलग कैसे आएंगे ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो चारों आई क्या आए हुए हैं, देखो अलग अलग स्थान पर आए हुए हैं, तो यहाँ से आप ऐसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो इसको मैं लिखूँगा हल में अपना, इस शब्द के बारे में लिखूँगा, ठीक है शब्द में क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे हम शब्द एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह में कुल 11 अक्षर है, जिसमें एम आपका एक बार, ठीक है आई देखो कितना चार बार, तथा एस भी कितना है चार बार, आई तथा एस चार बार, और पी कितनी बार है दो बार, पी दो बार आया है या आए हैं, ठीक है। अब देखो इन अक्षरों से बनने वाले शब्द, अब हमें क्या करना है, पहले तो इन अक्षरों से कुल कितने शब्द बन रहे उनको कैलकुलेट करना, उसके बाद वे शब्द कैलकुलेट करने हैं जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं। इन शब्द में से हम वे निकाल देंगे जो चारों आई एक साथ लिए हुए हैं, तो हमारे पास पीछे कौन से बचेंगे, वे बचेंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ओके इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। देखो यहाँ पर कुल कितने शब्द है 11, 11 में से 11 को लेना, यानी डायरेक्ट आपका क्या आ गया 11 फैक्टोरियल। अब देखो जब आपके इस प्रकार से रिपीट हुए हुए अक्षर आए हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इनका नीचे फैक्टोरियल लेके लिखते हैं, आई कितनी बार आया दोस्तों चार बार आया है तो चार फैक्टोरियल, एस भी कितनी बार आया है चार बार आया है तो चार फैक्टोरियल, पी कितना बार आया दो बार तो दो फैक्टोरियल। देखो इसके पीछे थ्योरी होता है पूरा, ठीक है जैसे हम अपना फिजिक्स का कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये आपका लॉ है और इसको हमें यहाँ पे काम में लेना है, हम उसका कैसे प्रूव किया या पूरा ऐसे उस लेब में जाके थोड़ी चेक करते हैं,
तो वैसे ही मैथमेटिक्स को कुछ जो तरीके होते हैं वो तरीके होते हैं, उनके पीछे थ्योरी होती है। तो हमें क्या करना है, उस तरीके को सीखना है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ। तो देखो यहाँ पे आपके ये तरीके हो गए। अब देखो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, चारों आई एक साथ आए हुए शब्दों की बात करेंगे। तो हम लिखेंगे चारों, माना चारों आई एक साथ आते हैं, तब कुल अक्षर देखिए आपके बदल जाएंगे। इसको ऐसे सोल्व किया जाता है, इस टाइप के इक्वेशन को ऐसे समझिए। ये आपके कितने हैं, यहाँ पे 11 अक्षर है, या लाइन खींच के बताऊँ सही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हमने क्या किया, चारों आई को एक साथ फिक्स कर दिया, यानी ये अब एक बन गया है। कितना बन गया है, एक बन गया है। तो पहले कितने थे, 11, 11 में से कितने चार गए, पीछे कितने आ गए, सात, सात और ये एक, कुल अब कितने हैं आपके, आठ की तरह काम करेंगे। समझ आ गया, ये एक साथ रहेंगे तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, आठ की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुल अक्षर बराबर कितने हैं, आठ। इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, अब क्या करना है हमें, लिखना है इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। कैसे निकालेंगे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, 8 फैक्टोरियल। अब देखो आई जो आपके बार बार आए हैं उनको हमें बात नहीं करना, उनको हमने क्या मान लिया, एक मान लिया है। लेकिन एस आपका क्या आया हुआ है, चार बार आया हुआ है। एस पे हमें इतने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, वो आपका चार बार आया हुआ है तो चार बार आए की तरह ही बिहेव करेगा। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 4 फैक्टोरियल। पी दो बार आया है तो वो उस तरह से ही बिहेव करेगा, ठीक है। ये तो किसकी संख्या हो गई, वे अक्षर हो गए जिन जिनमें क्या, वे शब्द हो गए जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुल शब्द जो बने हैं जिसमें सम्मिलित चारों आई एक साथ आने वाले भी और नहीं आने वाले भी, उनमें से चारों आई एक साथ आने वाले घटा देंगे तो आपका इसका आंसर आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं अंत उन शब्दों की संख्या जब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, बराबर क्या होगा दोस्तों, जो कुल है उनमें से ये घटा दो, ठीक है। इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ तो इसको देखिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे हमें जो डील करते हैं, हाँ यहाँ पे इसका दोस्तों हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है, 11 फैक्टोरियल को खोल दो, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल आ गया। नीचे क्या है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से देखो डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ओके। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, ये क्या हो रहा है, माइनस आपका 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे आपका 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये आपका डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद इस 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो आपका कुछ और कैंसिल आउट होगा और फाइनल यहाँ पे आपके पास बचेगा 11 × 10 × 9 × 7 × 5, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 × 7 × 6 × 5, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा, ये आएगा दोस्तों, ओके। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेशन नहीं किया, यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह सब कर रखा है। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आप खुद सोल्व करें, आप खुद को मैं सोल्व करने के लिए
दे रहा हूँ। ओके, वो इसी तरह से होगा, बस उसमें आपको थोड़ा बहुत है जो एक्स्ट्रा ज्ञान को काम में लेना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज आपको पूरा समझ आया, जिसको हमने दो पार्ट में अभी कंप्लीट किया है। धन्यवाद।